में विधानसभा चुनाव को लेकर सरगर्मियां लगातार तेज हो रही हैं। सभी प्रमुख सियासी दलों ने अपनी तैयारी तेज कर दी है। इसी बीच आरजेडी नेता तेजस्वी यादव अपने एक बयान को लेकर सुर्खियों में आ गए हैं। उन्होंने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और अपने पिता लालू प्रसाद यादव के शासनकाल को लेकर ये टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि अगर 15 साल में हमसे कोई भूल हुई हो तो हम उसके लिए भी माफी मांगते हैं। गुरुवार को तेजस्वी यादव ने राष्ट्रीय जनता दल के एक कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान पार्टी के युवा नेता ने कहा, ठीक है 15 साल हम लोग सत्ता में रहे, पर हम तब सरकार नहीं थे, हम तो छोटे थे, पर इससे कोई इनकार नहीं कर सकता कि लालू जी ने सामाजिक न्याय नहीं किया। उन 15 सालों में हमसे कोई भूल हुई हो तो हम उसके लिए भी माफी मांगते हैं। तेजस्वी ने आगे संबोधित करते हुए कहा कि बिहार की जनता उनको एक मौका और देगी तो इस बार वो उनको निराश नहीं होने देंगे। उन्होंने बिहार की जनता से अपील करते हुए कहा कि अगर वो एक कदम आगे चलेंगे तो वो खुद चार कदम आगे बढ़ने को तैयार है। दरअसल इस साल के आखिर में बिहार विधानसभा के चुनाव होने हैं, ऐसे में आरजेडी नेता कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहते हैं। SPN9 न्यूज रूम से श्रुतिक रिपोर्ट।